विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन के भाव में सुधार आया। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 1% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में भी फिलहाल 1% की बढ़त है। देश की मंडियों में सोयाबीन की आवक निरंतर घट रही है और किसान कम भाव में बिक्री से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लातूर कीर्ति में सोयाबीन तिलहन का प्लांट डिलीवरी भाव 6,750 रुपये क्विंटल है, माल और GST अलग से पर खरीद की गई, जिससे सोयाबीन के तेल तिलहनों के भाव में मजबूती आई। सूत्रों का कहना है कि सलोनी शमशाबाद में भी सरसों की खरीद कीमत 8,250 रुपये क्विंटल हो गई, जिससे सरसों तेल तिलहन के भाव मजबूत हो गए। मूंगफली की स्थानीय मांग बढ़ने से इसके तेल तिलहनों के भाव मजबूत हो गए, जबकि इसी वजह से बिनौला तेल में भी मजबूती रही। सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में आई तेजी के कारण सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार हुआ, बाकी तेल तिलहन के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।